वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो यह किस कारण से होता है, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो जैसे ही समझ में आता है फ्रेंड्स, एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उस समय जो एक्यूट तुरंत आने वाला जो हेमोलाइटिक रिएक्शन होता है तो किस कारण से होता है, तो एक मेडिकल इमरजेंसी होता है जो इंट्रावस्कुलर डिस्ट्रक्शंस के कारण होता है, जिसमें रेड सेल, जो डोनर के रेड सेल होते हैं उसके एंटीजन और जो रिसिप्ट होते हैं जिसके ऊपर ब्लड, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, वो जो पेशेंट होते हैं उनके जो बॉडी में एंटीबॉडीज होते हैं वो दोनों के रिएक्शन से उत्पन्न होने वाला जो हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके जो ट्रांसफ्यूजन एबीओ मिसमैच, जिसका कारण होता है एबीओ मिसमैच, अर्थात जो ब्लड ग्रुप होता है वो मिसमैच किया जाता है, जिसके कारण यह जो स्थिति होती है वह उत्पन्न होती है। मोस्टली जो सबसे ज्यादा ऑकर्स होते हैं वो ग्रुप ए का जो ब्लड होता है उसको ग्रुप ओ रेसिपिएंट में चढ़ा देने से ऐसा होता है। अब हम फिगर के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे आप रेड सेल एंटीजन, और ये एंटीजन है रेड सेल का, उसके साथ जो आईजीएम एंटीबॉडीज है, जो पेशेंट्स का एंटीबॉडीज है, जो डोनर होता है उसका ब्लड का एंटीजन होता है, दोनों का जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसके बाद जो कंपोनेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स उत्पन्न होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में आप देखेंगे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स इसमें उत्पन्न होते हैं, जिसमें C5B9 एंड C3A C5A, ये जो दोनों होते हैं, ये जो C3A एंड C5A जो कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर होते हैं, इनके कारण जो एनाफाइलेक्टिन्स होता है और जो एक स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन तथा वैसोडिलेशन एवं एनाफाइलेटिक शॉक उत्पन्न करते हैं, और इसके साथ जो C5B, इसके बाद C7, 6, 8, 9, ये सभी जो होते हैं वो इंट्रा वेस्कुलर हिमोलाइसिस के लिए होते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के साथ यहाँ से आपको समझाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे ब्लड डोनर जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो ए आरबीसी उसके एंटीजन प्लस आईजीएम जो एंटीबॉडीज होता है वो दोनों के ऊपर रिएक्शन होता है। रिएक्शन से जो बहुत सारे जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स मैक, जो आप यहाँ देखेंगे मैक कॉम्प्लेक्स उत्पन्न होते हैं इसके रिएक्शन से, एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्स में जो इसको कहते हैं मैक, मैक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको टीसीसी भी कहते हैं, टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो पैथोजेंस के सरफेस के ऊपर उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो इम्यून सिस्टम में इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे जो यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्स जो फैक्टर 5A और 3A, ये दोनों जो होते हैं एनाफाइलेक्टोसिन जो मास्ट सेल से होकर वैसोडिलेशन और हाइपरटेंशन शॉक को बढ़ाते हैं, जो आगे जाकर एक्यूट किडनी फेल्योर का कारण भी बनती है। और वही जो दूसरा है आप देखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्स फैक्टर नंबर C5B होता है, यहाँ तो ए इधर चला गया, C5 जो B हो गया, C6, C7, C8, C9, ये जो होता है इम्यून इम्यून सिस्टम में अटैक करते हैं और मेडिएटेड हिमोलाइसिस, यहाँ इम्यून मेडिएटेड हिमोलाइसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कैटेगरीज चले जाते हैं। एक होते हैं जो साइटोकाइनिन स्टेम, इसके बाद फीवर, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन, थ्रोम्बोसिस और डिसमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोअगुलेशन उत्पन्न करते हैं। वही जो दूसरा परिणाम होता है रेड सेल डिडक्शन, जिसमें रेड सेल डिडक्शन के कारण फ्री हीमोग्लोबिन हो जाते हैं और जो HbA HbB कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो लिवर में होकर जाते हैं और जो बिलिरुबिन को हाई करते हैं। LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस हाई अगर होता है तो इसका सिम्टम्स होता है टिश्यूज में डैमेज होता है, एंड जो हिमेटोक्रिट और हेप्टोग्लोबुलिन्स ये लो हो जाते हैं, जो एक्यूट किडनी फेलियर का भी कारण बनते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं इसको एक एक करके। तो जो पैथो फिजियोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट लीड्स द कॉम्प्लीमेंट्स एक्टिवेशन एंड इंट्रा वास्कुलर हिमोलाइसिस, इसका मेन कारण क्या होता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं उसके कारण
इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस, इंट्रावास्कुलर हिमोलाइसिस एंड हाइपोटेंशन शॉक, ये सभी उत्पन्न होते हैं। और जो दिस कॉज हाइपोटेंशन शॉक, एक्यूट रीनल फेलवर एंड डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, तो इनके कारण जो होता है वो डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन एंड जो हाइपोटेंशन शॉक। इसके अलावा एक्यूट रीनल फेलवर एंड साइन एंड सिम्टम्स, कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो कुछ मिनट या फिर स्टार्टिंग में ही जब ट्रांसफ्यूजन के स्टार्टिंग करते हैं तभी वह स्टार्ट हो जाता है, जो फीवर, पेन ऑफ द इन्फ्यूजन साइट्स, लोइन पेन, ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा हार्ट बीट होता है वह 100 से भी अपर हो जाता है वह ट्रेकिकार्डिया कहलाता है, एंड हीमोग्लोबिनुरिया एंड हाइपोटेंशन ये सभी उत्पन्न होते हैं। इसके साथ जो पेशेंट में एनेस्थेटाइज्ड पेशेंट्स या फिर ब्लीडिंग एंड जो हाइपोटेंशन होते हैं ये सब इंडिकेशन होते हैं। तो अब लेबोरेटरी फीचर्स में भी कुछ लेबोरेटरी फीचर होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिनेमिया अर्थात जो हमारा प्लाज्मा का कलर होता है उस कलर से ना होकर जब प्लाज्मा को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूजन के बाद जब ट्रांसफ्यूजन के बाद सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उस समय जो प्लाज्मा का नॉर्मल कलर से वह पिंक कलर का हो जाता है, कुछ इस तरीके से देखेंगे हमारा जो नॉर्मल प्लाज्मा का कलर यहाँ है और ट्रांसफ्यूजन के बाद यहाँ पिंक कलर में हो जाता है जिसको हीमोग्लोबिनेमिया कहते हैं। एंड सेकेंड होता है हीमोग्लोबिनुरिया, तो जो हीमोग्लोबिनुरिया होता है अर्थात जो यूरिन होता है उसमें ब्लड का आ जाना हीमेचुरिया कहलाता है, लेकिन हीमोग्लोबिनुरिया जो हमारा यूरिन होता है वह इस कलर रेड कलर या पिंक कलर टाइप से हो जाते हैं, पिंक रेड हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे नॉर्मल यूरिन और यहाँ जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद जो यूरिन होगा उस समय यूरिन का कलर। इसके बाद पॉजिटिव डायरेक्ट एगुलेशन टेस्ट, जो एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, जो पॉजिटिव डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। और इसके बाद जो ब्लड स्मियर होता है उसमें सिस्टोसाइट्स एंड स्पायरोकिट्स ऐसे बने होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं स्पायरोकिट्स ब्लड का स्मियर में। इसके साथ जो इलेवेटेड इनडायरेक्ट सीरम बिलुरुबिन, जो इनडायरेक्ट सीरम बिलुरुबिन होते हैं वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारे बॉडीज में आरबीसी का डिडक्शन होता है और आरबीसी का अधिक मात्रा में डिडक्शन होने से हमारा जो जो शरीर होता है वो पीला पड़ने लगता है या जॉन्डिस के समान दिखने लगता है, इसलिए जो इनडायरेक्ट सीरम बिलुरुबिन होता है उसका भी जो नॉर्मल वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ने लगता है। इसके साथ जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जिसको LDH टेस्ट कहते हैं ये भी हाई हो जाता है। तो ये सारे जो लेबोरेटरी फीचर्स हैं एक्यूट और बहुत जल्दी होने वाले। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल मेडिकल ट्यूबर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।